आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाएं। मेडिटेशन की पावन धारा निरंतर प्रवाहित होए, हम सब के भीतर मेडिटेशन का आलम जगे। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल पीस एंड गुड हेल्थ। लगातार भीतर की दिशा में जागे जागे देखते रहना, बाहर की संगीत की धारा के साथ साथ भीतर की संगीत धारा को प्रवाहित करना, अंतस ध्यान की महान प्रक्रिया में मेडिटेशन के प्रोसेस में प्रवाहित होते चले जाना। मेडिटेट मोर एंड मोर एंड कीप योर बॉडी एंड माइंड एज फिटेस्ट। बाहर की दोनों पलके मूंदते ही भीतर देखना शुरू हो जाता है। बस देखते ही चले जाना, कछु और नहीं करना, कछु नहीं करना, केवल वाच करना, देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, हम सबकी नियति है। देखना, केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना। भीतर की गतिविधियों को वाच करते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना। मन की गति, मन माया का विस्तार, मन से हटकर के मन की गति को देखने का एक महानतम स्वरूप मेडिटेशन। जो जो भी हो रहा है भीतर, उसको वाच करते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। न्यूट्रल एनर्जी होकर के तुम भीतर की हर एक स्थिति को वाच करते रहना। करना कुछ नहीं, कहना कुछ नहीं, कछु भी, कोई किसी प्रकार का दखल नहीं देना। जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप हर स्थिति को वाच करते रहना, केवल देखते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के। अधिक से अधिक जागा हो श्रुति का आलम पिरोना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः लौटना। यू हैव योर थर्ड आई टू वॉच। बाहर की दोनों पलके, बाहर की दोनों आंखें नहीं देख सकती, भीतर तो भीतर की आंख ही देखती है। जो बाहर भी दोनों आंखों के माध्यम से देखती है, भीतर डायरेक्ट देखती है। बाहर दोनों चमड़े की आंखों से, चमड़े की आंखों के माध्यम से देखती है, परंतु भीतर उसको कोई माध्यम नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट वॉच करती है। एंड यू आर द थर्ड आई, यू आर ए शिव नेत्र, योर सेल्फ इज थर्ड आई। रियलाइज इट, वॉच करते रहना। जो भी हो रहा है उसे देखते रहना, निष्पक्ष रहना, निरपेक्ष रहना, न्यूट्रल एनर्जी होके रहना। कभी भी इंडल्ज नहीं होना किसी प्रकार के हालात में। हर हालात माइंड का है, अधिकतर नेगेटिव है। नेगेटिव माइंड का हर एक हालात नेगेटिव है। माइंड डज नॉट लाइक मेडिटेशन। बी क्लियर, माइंड डज नॉट लाइक मेडिटेशन। क्योंकि ये माइंड पे कंट्रोल करने का एकमात्र यंत्र है, माइंड को बस में करने का एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है मेडिटेशन। ये डायरेक्ट कंट्रोल करता है, नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव रखता है। हर अगले ही पल आप माइंड के हाथों लग रहे हो, माइंड का पीछे लघु बन रहे हो। सावधान रहना, बार बार जागना, बार बार लौटना अपने स्वभाव में, मन की आदतों में कहीं खो ना जाना।
मन माया की गतिविधियों में कहीं लॉस्ट ना हो जाना। अवसर मिला है देखने का, जगमगाने का अवसर मिला है, मन से हट करके मन की गति को देखने का, मन से हट करके माइंड की गति को देखने का अवसर मिला है। चूकना नहीं, आविष्कार करना अपनी स्वाभाविक स्थिति का। यू सिंपली वॉच एज ए न्यूट्रल एनर्जी। मन कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, वो वर्तमान में कभी नहीं है। वर्तमान में केवल तू है। तो स्वयं अपने वर्तमान के पल को छोड़ करके तुम पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर मत झूलना। ये माइंड का खेल है। एंड यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। तुम वर्तमान के पल में, प्रेजेंट मोमेंट्स में रहना। माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहता है, तुम सदा इसके साथ साथ नहीं। थोड़ी देर के लिए तुम इससे हट करके इसको देखना, इसको भापना, इसको पहचान लेना। इसको पहचानने के पश्चात तुम कभी भी इससे धोखा नहीं खाओगे। लगातार देखते रहना जो भी हो रहा है तुम्हारे भीतर, जो भी घटित हो रहा है उसको वॉच करते रहना। चाहे कितना भी नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, आप हर स्थिति को देखते रहना, केवल अनुभव करते रहना। अभ्यास से अनुभव की ओर महान दिशा, महान यात्रा मेडिटेशन एकमात्र मेडिटेशन है। सिंपली वॉच एंड डू नथिंग। Become more and more awakened. बार बार हम चले जाते हैं पास्ट में, बार बार फ्यूचर की रस्सियां पिरोते हैं। मेडिटेशन है वर्तमान, वर्तमान में जीना, अब अभी में जीना, अब अभी में रहना और जागे जागे देखते रहना मन माया की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना, मन को जागे जागे अच्छी तरह भांपते रहना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। आप इसको वॉच करते रहना। वॉचफुलनेस आपको हर प्रकार के धोखे से बचाए रखेगी, हर प्रकार के अहंकार, अभिमान, अस्मिता के अंधेरों से ऊपर उठा देगी। ये सब पर्दे गिर जाते हैं जब तुम माइंड को वॉच करने लगते हो। वॉचफुलनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर गुड हेल्थ एंड मेंटल पीस। ओंकार आमीन आमेन। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था।
तूने अपने दर बुलाया, मैं तो इस काबिल था। तूने अपने दर बुलाया, मैं तो इस काबिल था। अपना दीवाना बनाया, मैं तो इस काबिल था। अपना दीवाना बनाया, मैं तो इस काबिल था। अपने भीतर ही बिठाया, मैं तो इस काबिल अपने भीतर ही बिठाया, मैं तो इस काबिल न था। सोचता हूँ कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था। सोचता हूँ कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था। मैं तो इस काबिल न था। मैं तो इस काबिल न था। तूने अपनी दर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था।
सा किया। सीने में तूने सा किया, डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने सा किया। अपने सीने से लगाया मैं तो इसका बेड़ा, अपने सीने से लगाया मैं तो इसका बेड़ा था, अपने सीने से लगाया मैं तो इसका बेड़ा था, मैं तो इसका किसने पढ़ाया मैं तो इसका काबिल न था, ये सबक तूने पढ़ाया मैं तो इसका काबिल न था, ये सबक तूने पढ़ा किसने पढ़ाया मैं तो इसका काबिल न था, सबक किसने पढ़ाया मैं तो इसका काबिल न था, मैं तो इसका काबिल न था, मैं तो इसका काबिल न था। Thank you.
तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल था। तूने अपने दर बुलाया, मैं तो इस काबिल था। अपना दीवाना बनाया, मैं तो इस काबिल न था। अपना दीवाना बनाया, मैं तो इस काबिल न था। सोचता हूँ कैसे आया, सोचता हूँ मैं कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था। सोचता हूँ कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था। तूने है बा
दीवाना बनाया मैं तो इसका